Giant robot bee attack. Mad Max. बक्तू, इस मक्खी को यहाँ से भगाओ। ओके बॉस। इज्जत का सवाल है। एक मक्खी नहीं मार पाए तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। हिलना मत बॉस, हिलना मत। बस करो, रुक जाओ, बस करो टिप्पू, रुक जाओ। सोचो, जब एक मक्खी इतना परेशान कर सकती है तो बहुत सारी मक्खियाँ कितनी तबाही मचा सकती हैं। मैं इसी बात पे रिसर्च कर रहा था और ये देखो मेरी रिसर्च का नतीजा। बक्तू, जाओ और फरसतगंज में तबाही मचा दो। You are genius, boss. Super duper genius. She is right, boss. She is right. Yeah. दादाजी कहते हैं हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए ताकि बीमारियों से बच सके। लोग गार्डन में घूमने आते हैं और सब कचरा यहीं फेंक देते हैं। चलो गार्डन की अच्छी सफाई करते हैं। साफ होने के बाद पार्क कितना सुंदर लगने लगा है वीर, पर लोग फिर इसे गंदा कर देंगे। नहीं करेंगे इमली, अभी देखो। तक धिना धिन धिन, मैं हूँ जिन, मैं हूँ जिन। कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बिन। जिंटू, एक डस्टबिन ला दो जिसमें हम ये ट्रॉली का कचरा डाल सके और यहाँ एक बोर्ड लगा दो ताकि लोग गंदगी ना फैलाएं। अभी लो, अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। हाँ, अब ठीक है। पहली बार मेरा किया हुआ काम बॉस को पसंद आया। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जोड़ के खड़ा हूँ तो मेरी बात नहीं मानोगे। चलो अपना कचरा उठाओ और डस्टबिन में डालो। पापा, दूध बोले। डालता हूँ लेकिन डस्टबिन है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। यूज मी। बंटी की माँ। वो चॉकलेट रैपर भी उठाओ। वो मैंने नहीं फेंका, मैं तो केले खा रहा हूँ। उठाते हो या फिर दो? उठाता हूँ। चिंटू, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करते। ऐसा जादू नहीं चाहिए। सिर्फ बोर्ड पे लिखे रहने दो कि फूल तोड़ना और गंदगी फैलाना मना है। इस पुलिस को अभी के अभी हटाओ और नॉर्मल डस्टबिन बना दो। तुम तो मेरे कोई भी काम से खुश नहीं रहते। मैं जा रहा हूँ और ये कचरा भी साफ करता जा रहा हूँ। फरसतगंज वालों, मेरी मक्खियों से बचने के लिए तैयार हो जाओ। इमली, वो देखो इतनी बड़ी जायंट मक्खी और उसमें टिम्बक्टू बैठा है। बस, तबाही फैलाने में तो बड़ा मजा आ रहा है। तुम लोग जाके दादाजी को बताओ, मैं तब तक इनको देखता हूँ। ठीक है। वो देखो ब्रिज टूट गया है और स्कूल बस अब नदी में गिरने वाली है। अब बताओ क्या करोगे वीर? वीर मजा आ रहा है? टिम्बक्टू, अरे कुछ करो। सॉरी बॉस, सॉरी, मैं करता हूँ। तुम ठीक हो ना? दादाजी, ये मैड मैक्स की बनाई हुई रोबोट मक्खियाँ हैं। आप चिंता मत करिए, मैं इन्हें हैंडल करता हूँ। वीर, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगी, ये बहुत ज्यादा हैं। मैं इनके लिए कोई हथियार तैयार करके तुम्हें फोन करता हूँ, तब तक तुम इन्हें संभालो। ओके दादाजी। तुम्हें मैड मैक्स के पास ले जाऊंगा। हाँ। ड्रिल सूट ऑन। ड्रिल सूट ऑन। ऑयल एंड फायर। ऑयल एंड फायर। उनसे तो बच गए, लेकिन जायंट बी से नहीं बचोगे। वीर, खेल खत्म, पैसा जब बहुत भाग लिए, अब भागने के दिन खत्म। इजेक्ट स्मोक। इजेक्ट स्मोक। तुम उस जाइंट रोबोट मक्खी को लेकर घर की छत पर आ जाओ। मैंने एक जाइंट रैकेट तैयार किया है, उसके घर की छत पर फिक्स किया है। तुम उसके बीच से उड़कर निकल जाना। जैसे ही तुम निकलोगे, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेजर्स को ऑन कर दूंगा। रोबोट मक्खी उसे टच करते ही जल के खत्म हो जाएंगी। ओके दादाजी। दादाजी, मेरी बैटरी डाउन हो रही है, मैं शायद आप तक नहीं पहुंच सकूं। मैं घर से बहुत दूर हूं। तुम कर सकते हो, स्पीड बढ़ाओ और आ जाओ छत पे वीर। बैटरी ओवर इन 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7 Vir, 5, can do it. 4, 3, 2, 1. गार्डन में सफाई करते हो और अपनी छत तो देखो कितनी गंदी है। Hey, subscribe to Wow Kids today.